हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 9th की कार्य पत्रक नंबर 5 लेकर आई हूँ बच्चों, जो SST की वर्कशीट है। ठीक है, इसमें बच्चों आपको 10 प्रश्न दिए हैं जिसके आंसर आपको करने हैं। 4 में से ऑप्शन चूज करके उसका राइट आंसर देना है। तो पहला प्रश्न है, उत्पादन की पहली आवश्यकता है। ऑप्शन है क श्रम, ख भूमि, ग भौतिक पूंजी और घ मानव पूंजी। तो इसका ऑप्शन नंबर ख जो है वो राइट आंसर है, भौतिक पूंजी। प्रश्न नंबर 2 है, पालनपुर में गैर कृषि क्रियाएं हैं। ऑप्शन क है परिवहन, ख है दुकान चलाना, घ है लघु विनिर्माण और ग है लघु विनिर्माण और घ है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा बच्चों उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर ग है। प्रश्न नंबर 3 है, औजार मशीन भवन उदाहरण है। क मानव पूंजी के, ख स्थाई पूंजी के, ग है अस्थाई पूंजी और घ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बच्चों ख जो है वो राइट आंसर है, स्थाई पूंजी। प्रश्न नंबर 4 है, इसमें लिखा है इनमें से कोई एक स्थाई पूंजी है। क मुद्रा, ख कच्चा माल, ग मशीन और घ उपरोक्त सभी। तो इसका ग वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है, मशीन। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधुनिक खेती का प्रभाव नहीं है। तो ऑप्शन क है मिट्टी की उर्वरता में कमी, ख वनों की कटाई, ग भौम जल स्तर में कमी और घ उत्पादन में कमी। तो इसका आंसर नंबर घ जो है वो राइट आंसर है, उत्पादन में कमी। प्रश्न नंबर 6 है, उत्पादन की प्रयोजन उद्देश्य क्या है। क ऑप्शन है वस्तुएं उपलब्ध कराना, सेवा उपलब्ध कराना, ग है ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना जिनकी हमें आवश्यकता है और घ है उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर ग है बच्चों वो राइट आंसर है, ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराना, उत्पादित करना जिनकी हमें आवश्यकता है। प्रश्न नंबर 7 है, एक साल में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल उगाने की विधि को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क है बहुविध फसल प्रणाली, ख है अंतर्राष्ट्रीय फसल प्रणाली, ग है एकल फसल प्रणाली और घ है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है बहुविध फसल प्रणाली। क वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है, बहुविध फसल प्रणाली। प्रश्न नंबर 8 है, पालनपुर गांव में किसान अपनी बचत का प्रयोग किन कार्यों में करते हैं। तो ऑप्शन ए है कृषि, ख है गैर कृषि, ग है उपरोक्त दोनों और घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बच्चों ग उपरोक्त दोनों। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 है, कथन ए पालनपुर पड़ोसी गांवों और कस्बों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। कारण इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार हैं। अब इसमें ऑप्शन दिए हैं का ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ख है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की व्याख्या सही नहीं करता है। ग ए सही है लेकिन आर गलत है, घ ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ख जो है वो राइट आंसर है बच्चों, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की व्याख्या सही नहीं करता है। तो ख जो है इसमें वो सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कथन ए प्रत्येक उत्पादन भूमि श्रम पूंजी भौतिक पूंजी और मानव पूंजी के संयोजन से आयोजित होता है जिसे उत्पादन के कारक के रूप में जाना जाता है। इसमें कारण है बच्चों कच्चा माल और हाथ में पैसा कार्यशील पूंजी कहलाता है। तो इसके ऑप्शन है बच्चों क है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। ख है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की व्याख्या सही नहीं करता है। ग है ए सही है लेकिन आर गलत है और घ है ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर ख जो है वो राइट आंसर है कि आर और ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की व्याख्या सही नहीं करता है। तो ये थी बच्चे आज की वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।